डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से। आपको बता देना चाहते हैं कि अभी हम लोग सिर्फ प्रूफ करने वाले केस को पढ़ रहे हैं और पाँचवा में टोटल 10 क्वेश्चंस था और 10 क्वेश्चंस में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस तक के प्रूफ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक के हम लोगों ने प्रूफ किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से प्रूफ। तो छठा नंबर में क्या प्रूफ करना है, रूट अंडर यानी पूरा का रूट है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो अब पांचवा का हम लोग छठा देखते हैं। पांचवा का छठा क्वेश्चन क्या है भाई, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस में टेन ए, ये लाना है। आप किससे चलेंगे, सबसे पहले आप LHS से चलिए। तो LHS में क्या है भाई, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, पक्का। अब क्या करना है, ये जो रूट में है इस रूट के अंदर वाले को हम लोग परमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेकरण यानी कि रैशनलाइज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में परमेकरण कहते हैं। परमेकरण उसको कहते हैं जो हर वाला देखा जाता है कि हर किस में है, तो 1 माइनस साइन ए है। तो परमेकरण करते वक्त ये माइनस के साइन को बदल के ऊपर नीचे गुना करते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन ए है और बट्टा में क्या है, तो 1 माइनस साइन ए, और गुना करेंगे इसके साइन को पलट के। जैसे 1 माइनस साइन ए है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, समझ आ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, तो जब ये माइनस है तो परमेकरण कर कैसे किया जाता है, तो इसका उल्टा प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। अब रूट अंडर का तो पूरा रूट अंडर रहेगा और 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दो बार आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नहीं अरे भाई, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आया दो बार तो उसको स्क्वायर लिख दिए, और बट्टा ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, तो अगर ए माइनस बी होगा और ए प्लस बी होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, समझ में आया। अब यहाँ हो गया रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बट्टा 1 का स्क्वायर 1 होगा नहीं, और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, फिर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो सकता है, तो ये साइन स्क्वायर है उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है ना, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो भाई मेरे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका उल्टा भी तो कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए बराबर। अब आप पढ़े होंगे कि स्क्वायर रहे और अंडर रूट रहे तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों खत्म हो जाता है। जैसे बताते हैं मैथ का रूल है कि अंडर रूट रहे और पी का स्क्वायर रहे, तो ये अंडर रूट जो रहता है ना और वो स्क्वायर जो है दोनों खत्म हो जाता है, तो खाली हम लोग पी लिखते हैं, समझ में आया। यानी कि कोई सा भी नंबर रहे, उसका स्क्वायर भी रहे, उसका रूट भी रहे, तो खाली वही नंबर बचता है, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ स्क्वायर है और ये रूट है, तो स्क्वायर और रूट खत्म हुआ तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस
साइन है। बटा नीचे में भी स्क्वायर है और ये पूरा का ना रूट है। देख लीजिए सवाल में क्या बोला कि पूरा का रूट है, अंश ऊपर वाला का भी रूट और नीचे वाला का भी रूट। तो नीचे वाला रूट और स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा, कॉस ए। चलिए आगे दिखाते हैं कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट। तो हम लोगों को क्या मिला है अभी तक के, वन प्लस साइन ए बटा में कौन सी कॉस ए, है ना। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, तो मैथ का एक रूल है कि जो प्लस और माइनस में ऊपर रहता है अंश में और हर में कोई एक चीज रहे, तो कोई एक ही गुना है खाली कॉस ए, तो उसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं। कैसे, तो वन बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, तोड़ दिए तो वन बाई कॉस क्या होता है सेक ए, ठीक है, प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है तो टेन ए। तो इस तरीके से आपको जो लाना था आरएचएस वो आ गया, तो बराबर करके हम लिख सकते हैं आरएचएस और ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेवन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप प्रूफ करो कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, देखिए क्यूब थीटा है, क्यूब थीटा का मतलब क्या है कि साइन थीटा का पावर तीन है, साइन थीटा का होल क्यूब, है ना। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्क्वायर रहेगा तो हम लोग साइन के पावर देते हैं दो, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं देते हैं। उसी तरीके से साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है और बटा में है टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, बराबर में क्या लाना है टेन थीटा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेवन को लिखा जाए। क्वेश्चन सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटा टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है टेन थीटा। आप सबसे पहले एल एच एस से चलिए, एल एच एस में क्या है, तो एल एच एस में है, आप देख पा रहे होंगे एल एच एस में क्या है, तो एल एच एस में है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटा टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आप जानते हैं दोस्त कि जब ऊपर में साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा तीन ठो है, तो ऊपर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि ऊपर में सर साइन थीटा है और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, मैंने साइन थीटा तीन ठो है, तो ऊपर से हम लोग साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ तो साइन थीटा एक था वो कॉमन ले लिए तो वन बचेगा माइनस टू, टू का तो टू रहेगा और साइन थीटा एक गो ना बाहर किए हैं, यहाँ तीन ठो था तो दो गो तो बच जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब नीचे वाला को देखिए, तो नीचे वाला को आप देख पा रहे होंगे तो कॉस तीन ठो है यहाँ पे और कॉस एक ठो है, तो नीचे वाला से क्या हम कॉमन ले सकते हैं दोस्त कॉस थीटा, नीचे वाला से कॉस थीटा कॉमन लिए, तो नीचे वाला से जब कॉस थीटा कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, तो टू है तो टू तो बचेगा और कॉस तीन ठो था, कितना ठो था तीन ठो, अब यहाँ पे ए गो कॉमन कर लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा होगा और माइनस में वन। अब क्या करना है, एक फार्मूला जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है वन होता है, तो जहां वन है हम लोगों का आया हुआ, इस वन के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। चलो रखो भाई, तो यहां है हम लोगों का साइन थीटा और ब्रैकेट, ब्रैकेट में यहाँ वन है तो इस वन के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख दिया, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बाद में हम लोगों को माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस
टू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या आया है, तो नीचे में कॉस थीटा कॉमन है, ठीक है, कॉस थीटा कॉमन, फिर यहाँ पे क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख दिया टू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है, तो माइनस में वन है, तो वन के जगह पे फिर से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पूरा का ब्रैकेट, ये वाला हॉल है ना। अब देखिए क्या बच रहा है, तो साइन थीटा ब्रैकेट, अब ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक जाति का है, तो पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे, इसका कोई जाति का नहीं है। अब साइन स्क्वायर थीटा के आगे एक है और यहाँ पे माइनस टू है, तो कुल मिलाकर इसका क्या होगा, तो माइनस टू है तो माइनस का वैल्यू बड़ा है, तो माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, और देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे होंगे ऊपर क्या है, साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे में क्या है कॉस थीटा। अब टू कॉस स्क्वायर है और में से एक वो कॉस स्क्वायर घटेगा, ये दो ठो है इसमें एक ठो घटेगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये और ये सेम सेम है, तो कट गया, अब बच क्या रहा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस फार्मूला होता है टेन थीटा, साइन में कॉस से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है टेन थीटा, तो हम लोगों को लाना भी क्या था टेन थीटा। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को ये आरएचएस आ गया और हम लोगों को प्रूफ हो गया। तो कुल मिलाकर हम लोगों को ऐसा ही करना होता है प्रूफ करने में। फिलहाल एट नंबर जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं इसमें आप कीजिएगा क्या कि इसको भी ए प्लस बी के हॉल स्क्वायर पे तोड़िएगा और इसको भी ए प्लस बी के हॉल स्क्वायर पे तोड़िएगा, और दोनों को ए स्क्वायर प्लस मैंने दोनों को तोड़ना है ए प्लस बी के हॉल स्क्वायर ए प्लस बी के हॉल स्क्वायर पे, और ए प्लस बी के हॉल स्क्वायर पे इसको तोड़िएगा इसको तोड़िएगा तो खुद ऑटोमेटिक इस तरीके से आ जाएगा। तो आठवां नंबर आपको खुद से ट्राई करना है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब आठवां नंबर आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसको ए प्लस बी के हॉल स्क्वायर पे तोड़िएगा इसको भी, और दोनों को ऐड कर दीजिएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो दोस्तों आप ट्राई कीजिए, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।